संजीत कुमार सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, शेखा गोयल मैडम, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स, अनिल कुमार साहब, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, चौहान साहब और शिवप्रसाद साहब, मुरली कृष्ण साहब, जनाब मुर्तजा पाशा साहब, जनाब हाफिज मुजफ्फर साहब, एहसान कुरैशी साहब, समदानी साहब, नेमतुल्ला कादरी साहब, अली पाशा साहब और मेरा छोटे बड़े तंजीम का मेंबर्स का भाइयों को, मीडिया मित्रों को, साथ साथ में आने वाला 12 रबीउल अव्वल का मुबारकबाद दे रहा हूं। 12 रबीउल अव्वल जो है उस दिन एक इंसानियत पैदा हुआ, उस दिन प्यार मोहब्बत पैदा हुआ, उस दिन जो है सब्र भी पैदा हुआ और हुजूर आप जो अवाम को तालीमात दिया है वो कायम तक रहने वाला है वो, मगर अमल करने में इंसान जान भी एक ही है, नबियों में नबी आप भी एक ही है, अल्लाह का महबूब बन के रहे। शुक्रिया। साथ अभी मैं सुना था वजरली मास्कने, मिराला मंडी, इंजन बोली, मैं जैसे कि साउथ अंबर किशोर जा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे है सैयद शाह अगले हफ्ते मुफ्ती और पाशा साहब से कि वो स्टेज पे आओ तशरीफ। आए हुए सभी गेस्टों को और मेंबर्स को वेलकम करते हुए अभी मैं हमारे डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वेलकम एड्रेस। हमारे बड़े रिलीजियस हेड्स आए हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा एक दूसरे से खिताब करने का एक अवसर है, मौका है, जिसमें हम अपने अपने कंसर्न को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। हमारे तरफ से भी कुछ मैं डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे है और तशरीफ सैयद शाह अगले हफ्ते मुफ्ती और पाशा साहब से स्टेज पे आओ तशरीफ।
कमिश्नर में से भी सैयद रफीक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैसेज शेयर करें। आए हुए सभी गेस्टों को और मेंबर्स को वेलकम करते हुए अभी मैं हमारे डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वेलकम एड्रेस। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ अहदेदारान, जो आज की इस अहम तरीन नशिस्त के दहाई हैं और इंतहाई काबिल मोहतरम मुकर्रम मशायख़ इकराम, उलमाए अबाम और अहल सुन्नत की तंजीमों के ज़िम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक मरतबा हम और आप अपने आका व मौला सैयद आलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यौम मीलाद की खुशी के अहतमाम के हवाले से जो जलसों और जुलूसों के अहतमाम की शक्ल में और मुख्तलिफ खुशी के इजहार की जो कुछ शक्लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ राइज है, आमतुल मुस्लिमीन और अवामुन्नास की रिफाह के काम खाने खिलाने से लेकर शादियाँ करवाने से लेकर और दीगर बहुत सारे उमूर जो अंजाम दिए जाते हैं इस हवाले से, वो सारे के सारे हैदराबाद के जितने प्रोग्राम्स होते हैं साल तमाम मिलादुन्नबी जश्न ईद मिलादुन्नबी के अलावा, उन तमाम को पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत खासा तआवुन हासिल रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की सरजमीन जो अमन आशती का गहवारा है और यहाँ पर आपसी मोहब्बत और खैर सगाली का जो माहौल है, खुद हैदराबाद दक्कन के रहने बसने वाले लोगों की नस नस में ये बात दाखिल है। जनाब सैयद औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा साहब, जनाब सैयद सईद कादरी साहब, जनाब सैयद अली कादरी साहब, जनाब निमायतुल्ला साहब, जनाब अली पाशा साहब, जनाब हफीज मुजफ्फर हुसैन साहब, जनाब इमरान पाशा साहब, जनाब हसन फारूकी साहब, जनाब सैयद अहमद रफीउद्दीन साहब, और हमारे यहाँ डिपार्टमेंट के हमारे कलीग ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी एडमिन, एडिशनल सीपी सीएआर, जॉइंट सीपी एसबी, डीसीपी साउथ जोन, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन ट्रैफिक, डीसीपी साहब और सभी अफसरान, मीडिया के हमारे दोस्त, इतनी अच्छी तकरीर के बाद हमारे पास अब अल्फाज नहीं है कि अब मैं आगे क्या कहूं। हमारे अंदर जो भी ख्वाहिश थी कहने की, सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से, मुझसे बेहतर तरीके से आपके सामने रखा जा चुका है। इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि जो बुजुर्ग हम सब के सामने जो नसीहत अभी दिए, जो गुजारिश किए, उसको सही मायने में उस पर अमल किया जाए। आपसे ऐसे मौके पे जब सब लोग हम लोग यहां मिलादुल नबी अल शरीफ के जलसे के लिए इकट्ठे हुए हैं, इतने से कुछ अगर देख रहे हैं उसके बाद हमारा रिएक्शन कैसा है, अगर हम अपने बहुत अच्छे हैं, अगर हम अपने आप को इंसान कामिल समझते हैं, लेकिन अगर सामने से कुछ गड़बड़ चीज देख रहे हैं तो हम उससे एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर हमारे नजरिए में सेल्फ कंट्रोल की कमी है। अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो खूबसूरती इसी में है कि उसकी गलती को भी छिपाकर हम आगे चले जाएं। ऐसी बात नहीं कि उसकी गलती को हम अपनी गलती से जोड़कर और बड़ा कर दें।
इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, यह सोचना मुझे लगता है कि बेवकूफी है कि पूरे 1 करोड़ लोग में कोई गलती ना करे। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है, कभी ज्यादा कभी कम। जब 1 करोड़ के जनसंख्या के पॉपुलेशन के लोग हैं तो चंद लोग सरफिरे भी हो सकते हैं, चंद लोगों का रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग लोग और बुजुर्ग लोग के गार्जियनशिप में जो नए जनरेशन है उनके ऊपर यही जिम्मेवारी हमेशा रहनी चाहिए कि उसको कैसे छिपाएं, उसको कैसे कम रखें। जब जब कोई छोटा बच्चा बड़ा होता है तो घर में उसको उसकी मां, उसके अब्बा जान, उसके सभी बुजुर्ग लोग हमेशा यही बात कहते हैं, तुम अच्छे बेटे हो ना, तुम अच्छे हो ना, और वो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, और आपके लिए जो भी चीज आप लोगों ने जिक्र किया है कि बेहतर से बेहतर इसको कैसे बनाया जाए, हमारे सभी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड यहां हैं, इसीलिए हैं कि हम लोग इसके मार्फत से ये मैसेज कहना चाहते हैं कि ये जो मिलादुल नबी का जलसा है इसमें हम लोग जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सीरियसनेस 100% पार्टिसिपेशन हम लोग है, हम लोग सब इसीलिए यहां पर इकट्ठे होकर आपको कहने आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जब इतने बुजुर्ग लोग अपना बेशकीमती समय निकालकर यहां आए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों के कहने से, आप लोगों के तकरीर से हमारे डिपार्टमेंट का हौसला अफजाई बहुत ज्यादा होता है। आपके कहने से खास करके जो हमारे नए ऑफिसर आते हैं, हमारे जैसा आप जानते हैं एक ये बहता हुआ नदी है, हर साल नए ऑफिसर आते हैं, नए कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट होती है, यह भी आपकी जिम्मेवारी है कि आप सही मायने में हर चीज को समझाएं जिससे कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी सब। थैंक यू सो मच। आज सलारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मिलादुल नबी अल शरीफ के लिए जो सिटी पुलिस के तरफ से इंतजाम किए गए और खास करके पुराने शहर में जो सभी ऑफिसर्स हमारे बुजुर्गों के साथ मिलकर जो प्लानिंग की है उसके बारे में गुफ्तगू की गई। मिलादुल नबी अल शरीफ एक ऐसा दिन है, एक ऐसा मौका है जो हैदराबाद के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जो हैदराबाद शहर में जुलूस अलग अलग तंजीमों के तरफ से मिलकर इकट्ठे होकर मक्का मस्जिद से निकलती है और करीब 7-7.5 किलोमीटर का जुलूस 5-6 घंटे के बाद नबी के शान में अपने अपने खुशी की इजहार करते हुए सभी लोग खास करके साउथ जोन और वेस्ट जोन में कई सालों से एक ट्रेडिशनल के तरह यह फेस्टिवल होता रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के हर वर्टिकल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, क्राइम विंग, सिटी सिक्योरिटी विंग, हर लोग मिलकर एक साथ शरीक होकर एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें पब्लिक को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। हर साल की तरह इस बार भी इंतजाम किए गए हैं जिसमें लगभग 1400 से 1500 ऑफिसर्स खास करके इसी चीज में लगे रहेंगे। ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस के तरफ से मैं एक अपील भी करना चाहता हूं, ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा दिन है। इसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल की ट्रिपल राइडिंग करके या रैश तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, बहुत हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना,
ऐसी गुस्ताखी करते हैं जिससे कुछ लोगों को एक्सीडेंट होता है और चोट भी लगती है। ऐसे मौके पे एक्सीडेंट होना, चोट लगना बहुत दुख की बात है और हमारे हिसाब से ये हम लोग सबके ऊपर ये जिम्मेवारी है, आप सबके ऊपर ये जिम्मेवारी है। आप खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर जनरेशन के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है कि इसको बाइक रेसिंग का दिन न बना दिया जाए। बाइक रेसिंग बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पिछले साल भी कुछ लोगों को चोट लगी थी, छोटे छोटे बच्चों को चोट लगी थी और ये बहुत तकलीफ की बात होती है। दूसरी चीज, सुबह से लेकर शाम तक हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर आप लोगों के सर्विस में, आप लोगों के इंतजाम के लिए हर जगह मौजूद हैं। अगर कहीं कुछ गलत चीज आप लोगों ने देखा है तो फौरन उसको जो भी लोकल पुलिस ऑफिसर है प्रेजेंट, पेट्रोल कार, ब्लू कोल्ट, SHO, DCP साहब, उसको उनको तुरंत बताएं और हम लोग सब फौरन कार्रवाई उसके लिए करेंगे। ऐसे मौके पे सबसे पहले तो मैं आज यहां सलारजंग म्यूजियम में जो बुजुर्ग लोग आए सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी ऑफिसर की तरफ से हैदराबाद की आवाम को यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि मिलादुल नबी अल शरीफ के दिन हम लोग सब आपके खुशी में शरीक हैं। हमारी सब मेहनत, सभी इंतजाम आपकी कंफर्ट, आपके आराम के लिए है। हम लोग मिलकर इसको मनाएं, इस तरीके से रखें जिसमें कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट हो। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि उस दिन किसी बच्चों को किसी तरीके का चोट न लगे। थैंक यू सो मच।